गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोगों को सुबह का नमस्कार है। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का संदेश विद रवि सिंह के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। आज हम ज्योग्राफी और पर्यावरण की द्वितीय कक्षा यानी सेकंड लेक्चर में आपके साथ मौजूद हैं। आज हम जो शुरुआत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, यानी हम लगातार अब कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट का। इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बैक ईयर्स में कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए, उन प्रश्नों का संग्रह होगा और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित करके उसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा को। शुरुआत करने से पहले एक पंक्ति जरूर दिमाग में रखिएगा कि हिम्मत नहीं हारना है, आपको मंजिल निश्चित मिलेगी। आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आपको सफलता का परचम जरूर लहराएगा आपका। सामान्य रूप में एक पंक्ति कही जाती है, उसी से मैं शुरुआत करूंगा, श्री गणेश करूंगा आज की कक्षा का, कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। केवल पत्थर उछालने की देर है, आपके मेहनत की देर है। जिस भी फील्ड में आप जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको मिलेगी, 100% मिलेगी, मेरा दावा है। बस जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस भूगोल और पर्यावरण की सेकेंड कक्षा। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आज 30 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अन्य लोग भी जुड़ सके, ठीक है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। जवाब सभी को देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब सभी को देना है और सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उनसे संबंधित चीजों पर डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। पहला प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है आज का, भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है? भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है? आप सभी लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है 82.5 डिग्री, 84.5 डिग्री, 86.5 डिग्री, 87.5 डिग्री। आप सभी लोगों को बताना है। आप सभी लोगों को सुबह का नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। आंसर दीजिए फटाफट, भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है? प्रामाणिक देशांतर अगर समझ में ना आए तो आप इसे मानक देशांतर भी कह सकते हैं, मानक देशांतर कहा जा सकता है इसी को, इसी को भारतीय मानक समय रेखा के रूप में भी इंडिकेट किया जाता है, भारतीय मानक समय रेखा। आप बताइए सभी लोग फटाफट जवाब देना है। आयुष, पूनम, स्नेहा, आशुतोष सभी ने बढ़िया जवाब दिया। बिल्कुल, भारत का जो मानक समय रेखा या प्रामाणिक देशांतर है वो 82.5 डिग्री है, यानी 82.5 डिग्री की रेखा जो है वो भारत की मानक समय रेखा या प्रामाणिक मानक समय रेखा के रूप में जानी जाती है। इसी को हम प्रामाणिक देशांतर रेखा भी कहते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम 82.5 डिग्री की बात करें तो 82.5 डिग्री की जो रेखा है ये भारत में अगर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, सामान्य रूप में यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में
एक जिला है मिर्जापुर से गुजरती है, मिर्जापुर से गुजरने वाली रेखा है। बच्चों कई किताबों में इलाहाबाद का नैनी लिखा हुआ है, तो अगर नैनी ऑप्शन में रहता है और मिर्जापुर रहता है तब आप निश्चित रूप से मिर्जापुर लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड आप नैनी लगाएंगे। इलाहाबाद यानी प्रयागराज का नैनी। प्रयागराज का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे नैनी के नाम से जानते हैं, तो इसे नैनी लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मिर्जापुर और नैनी दो क्यों हैं, तो मिर्जापुर ऑथेंटिक है, वहां पर आपकी भारत की जो मानक समय की घड़ी लगी हुई है उसी से हम ऑथेंटिसिटी लेते हैं। दूसरी बात, क्योंकि पहले प्रयागराज मुख्यालय था, इलाहाबाद अंग्रेजों का मुख्यालय था, इसलिए उन्होंने नैनी मिर्जापुर की जगह नैनी ऑप्शन रखा, और तब से नैनी चर्चा में चल रहा है। कई किताबों में, अंग्रेजों के राइटिंग बुक में भी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसीलिए नैनी मिलता है। तो अगर मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं है तब नैनी पे जाएंगे, अगर मिर्जापुर ऑप्शन पे है तो आप 100% मिर्जापुर लगाएंगे। क्लियर? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री हो गई और मिर्जापुर। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। आपको राज्य बताने हैं, कौन कौन से राज्य हैं, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, फटाफट बताइए। आशुतोष जी, मैंने बताया कि अगर दोनों होंगे तो आप मिर्जापुर लगाएंगे। मिर्जापुर ये 100% है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों में अगर बात किया जाए तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएंगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी आपकी मानक समय रेखा जिन 5 राज्यों से गुजरती है वह 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से यह मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ सकें। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां पर स्थित है? हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कश्मीर। आंसर दीजिए आप सभी लोग, सभी लोग आंसर दें। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां पर स्थित है? ऑप्शन है बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कश्मीर। दीजिए आंसर, आई एम वेटिंग। अराकान योमा श्रेणी का विस्तार कहां पर है, जो हिमालय का विस्तार है? बच्चों आपने, मैक्सिमम लोगों ने नेपाल आंसर दिया है, आदित्य ने म्यांमार दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस इंफॉर्मेशन को। हिमालय का जो अगला विस्तार है उस विस्तार को हम अराकान योमा श्रेणी के नाम से जानते हैं, और यह अराकान योमा श्रेणी अगर बात किया जाए आपके म्यांमार में है। लंबा झटका लगा सभी लोगों को, यह कहां पर है? याद रखिएगा म्यांमार की श्रेणी है, ठीक है। तो अराकान योमा श्रृंखला जो हिमालय का विस्तार है वो कहां पर है? म्यांमार में है, निश्चित रूप से ध्यान रखना है। देखिए, अगर
हिमालय के विस्तार को हम इस प्रकार से ले जाएं कि ये जम्मू कश्मीर है, ये आपका अरुणाचल है। तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक यह इस प्रकार से फैली हुई है। इसके बाद यह यहां से घूमती है और इस तरीके से दक्षिण की तरफ जाती है, तो यह म्यांमार में है। तो अराकान योमा श्रेणी कहां है? यह है आपकी अराकान, जिसका विस्तार इधर कौन सा देश हुआ? म्यांमार देश हुआ। समझ आया? तो म्यांमार में ही इसका विस्तार है। तो अराकान योमा श्रेणी का विस्तार कहाँ हुआ? म्यांमार में हुआ। एकदम अपनी इंफॉर्मेशन को सही करिए। नेपाल से कहाँ शिफ्ट करना है अब आंसर को? म्यांमार में। अब बिल्कुल भी अगली बार गलत नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट ठीक है, चलिए गुड। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अराकान योमा श्रेणी म्यांमार में हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न देखिए, कावेरी नदी का अंत कहां होता है? कावेरी नदी का अंत कहां होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कच्छ की खाड़ी। आंसर दीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग है सभी को, आंसर दीजिए। कावेरी नदी का अंत कहां होता है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, कच्छ की खाड़ी में। बच्चों एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज की डेट में जीएस डिसाइडिंग है सिलेक्शन के लिए। आप मैथ अच्छा करते हैं, रीजनिंग अच्छा करते हैं, इंग्लिश अच्छा करते हैं, जीएस वीक होता है हर बच्चे का। जीएस निश्चित रूप से आपको स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग कराऊंगा मैं निश्चित रूप से। अपने पार्ट को तो मैं इतना मजबूत करवाऊंगा कि आप कॉन्फिडेंस होंगे 100%। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। चलिए, तो कावेरी नदी कहां पर समाप्त होती है बताइए? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कच्छ की खाड़ी। अब देखिए बात करते हैं, अगर ये भारत का दक्षिणी हिस्सा हो जाए, मैप हो जाए, तो इस भारत के मैप में आप जानते हैं कि कावेरी नदी इस रीजन से निकल करके ऐसे आकर के यहां समाप्त होती है। अब मुझे बताइए कि यह हिस्सा कौन सा है, भारत का पूर्वी हिस्सा कौन सा है, जब कावेरी नदी इस पश्चिमी घाट के रीजन से ऐसे निकल करके मुल्ताई आदि की पहाड़ी से यहां समाप्त हुई, तो यह रीजन कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो आप बताइए अब कावेरी नदी का अंत कहां हुआ? बहुत बढ़िया कार्तिका, साहिल, आकाश, सभी ने बढ़िया आंसर दिया, बंगाल की खाड़ी। क्लियर हो गया कि कावेरी नदी का अंत कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चलिए गुड। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 5 जून को, 11 जुलाई को, 3 अक्टूबर को, या 24 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो किसी का नहीं गलत होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए यह। सभी लोग फटाफट सही आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। आयुष, अर्जु, आकाश, प्रज्ञा, आकांक्षा, सभी बढ़िया आंसर दे, बिल्कुल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार। नम्रता आपका आंसर गलत है, सही करिए।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? आपका अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन देखिए, नदी, समुद्री धारा, हवा या कुआं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? आंसर दीजिए फटाफट, गल्फ स्ट्रीम क्या है? हौसला बनाए रखिए, एकदम जबरदस्त हौसला बना होना चाहिए। बुलंदी, अगर हम पीक पर चढ़ना चाहते हैं, अपने आप को सफलता के चरम पर पहुंचाना चाहते हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा। सभी लोग जुड़िए रहिए, गलत या सही आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबका आना चाहिए। गल्फ स्ट्रीम क्या है? बहुत बढ़िया, काफी लोगों का ऑप्शन आया है समुद्री धारा। बिल्कुल, गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री जलधारा है। क्या है? समुद्री जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? समुद्री जलधारा है। अब अगर हम ये मैप बनाएं, किसका? आपके उत्तरी अमेरिका के रीजन का। तो उत्तरी अमेरिका में यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी है, और इसी मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है यह गल्फ स्ट्रीम, इसीलिए इसको गल्फ स्ट्रीम नाम दिया गया है। बहुत बढ़िया, सभी का बढ़िया आंसर आया है, सही आंसर आया है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक समुद्री जलधारा है। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है मंगल, वरुण, प्लूटो, बुध। मंगल, वरुण, प्लूटो, बुध। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? आप सभी लोगों को आंसर देना है। कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? मंगल है ऑप्शन, वरुण, प्लूटो, बुध। बताइए, काफी लोगों ने डी ऑप्शन दिया है, सी भी कुछ लोग दे रहे हैं। याद रखिएगा, बुध ग्रह यानी बुध ग्रह ऐसा है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। अब कैस इसमें अगर बात किया जाए तो मरकरी हो गया यानी बुध हो गया, वीनस हो गया शुक्र, तो बुध और शुक्र दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। मरकरी और वीनस हैव नो आपके सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे। मरकरी एंड वीनस के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जितने लोगों ने भी दिया एकदम सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने सी दिया था, सी नहीं होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। आपके ऑप्शन ये रहे, गंगा, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। बताइए कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, महानदी, गोदावरी और ताप्ती। बिल्कुल, काफी लोगों के बढ़िया आंसर आ रहे हैं। आप लोगों ने नाम भी अपने जबरदस्त रखे हैं, किसी ने अपना नाम रखा है अघोरी, ठीक है,
अघोरी बाबा जी का भी आंसर एकदम सही है, जबरदस्त। ठीक है, याद रखिएगा, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तब प्रश्न उठता है कि यह क्या बनाती है, बताइए। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तब यह बनाती क्या है? सी नहीं होगा बच्चों, ताप्ती होगा इसका आंसर। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, याद रखना है कि ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह बनाती है आपकी एस्चुअरी। क्या बोलते हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती है। क्लियर है? याद रखना है कि डेल्टा ना बनाने वाली नदियां अगर बात किया जाए, यानी एस्चुअरी का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा, ताप्ती, और माही, ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो एस्चुअरी बनाती हैं? बिल्कुल अंतिमा, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, ये सभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है? और एस्चुअरी होता क्या है, जब खड़े ढाल से नदी आ रही हो, ऐसे मानिए ये नदी आ रही हो, खड़े ढाल से सीधे गिर जाए, सागर में, खाड़ी में, गल्फ में, कहीं भी गिर जाए और पूरा का पूरा पानी हो जाए, यानी किनारे पर कचरा का जमाव ना हो और ऊंचाई से सीधे गिर रही हो, तो ऐसी नदियों के गिरने वाले या मुहाने को या माउथ को हम क्या नाम देते हैं? एस्चुअरी नाम देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो एस्चुअरी बनाने वाली ये तीन नदियां आपको दिमाग में बिठा के रखना है, इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि एस्चुअरी बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। चलिए, काफी लोगों ने बढ़िया आंसर दिया था। अगला प्रश्न आपका, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? अगला आंसर है आपका, ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? अगर आपको महादेश ना समझ में आए तो महाद्वीप कह सकते हैं इसी को, यानी महाद्वीप, या आप इसे कह सकते हैं महाद्वीप भी कहा जा सकता है, कॉन्टिनेंट। बताइए, विश्व में कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप या महादेशों की संख्या कितनी है? बिल्कुल काफी लोगों ने 7 आंसर दिया है, कुछ लोग 8 आंसर दे रहे हैं, जैसे आकांक्षा ने 8 आंसर दिया है, कुछ तो 5 दे रहे हैं, 5 कैसे होंगे? ठीक है, कुल मिलाकर के अब देखिए कंफ्यूजन, याद रखिएगा 5 और 6 का कंफ्यूजन तो है ही नहीं, 5 और 6 तो महाद्वीप है ही नहीं, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। अब सामान्य रूप में आपका आंसर, जितने लोगों ने 7 दिया है वो 7 सही है। क्यों? क्योंकि एक नया महाद्वीप खोजा तो गया है, हम बात करते हैं नया महाद्वीप खोजा गया है, लेकिन उसे अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से मान्यता नहीं दिया गया है। जिन्होंने 8 ऑप्शन दिया है, अगर उनके पास जानकारी है तो बताइए वह 8वां महाद्वीप कौन सा है? आपका आंसर 7 होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी हम आंसर 7 ही मानेंगे, महाद्वीपों पर आंसर हम 7 ही लगाएंगे, लेकिन 8वां नया महाद्वीप खोजा गया है, करंट अफेयर्स में हो सकता है आपने कभी कहीं पढ़ा हो तो निश्चित रूप से, लेकिन वो अभी ऑथेंटिक नहीं है, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता 100% की नहीं प्राप्त हुई है।
याद रखेंगे। तो आठवां महाद्वीप कौन सा है बताइए। सात आंसर सही है, सभी लोगों का सही है, श्वेता, सोनम, आयुष, ठीक है, अनिल, प्रज्ञा, विमलेश, सभी ने बढ़िया आंसर दिया, सात आपके आंसर सही है। मेरा अगला प्रश्न आप सुनिए कि आठवां नया महाद्वीप कौन सा है, यानी वर्तमान में आठवें महाद्वीप की चर्चा हो रही है वह कौन सा है। तो आठवां नया महाद्वीप है जीलैंडिया, कौन सा है, जीलैंडिया है, याद रखिएगा, आठवां नया महाद्वीप कौन सा है, जीलैंडिया है। लेकिन अभी आप एग्जाम में सात ही लगाएंगे, याद रखेंगे। अगर पूछेगा कि आठवां जो नया खोजा गया है उसका नाम क्या है, तब तो जीलैंडिया आप लगाएंगे, नहीं तो आप आंसर संख्या में सात ही लगाना है, ठीक है। लेकिन जानकारी के रखिए कि जीलैंडिया एक नया आठवां महाद्वीप खोजा गया है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल अनिल, जीलैंडिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक बार सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइएगा, मजा आएगी पढ़ने में, आंसर बस देते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पहला ऑप्शन गामा, बीटा, कॉस्मिक या पराबैंगनी, चौथा ऑप्शन बताइए बच्चों। अगले पर ऑप्शन पर जाइए, अगले प्रश्न पर जाइए, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पहला ऑप्शन है गामा, दूसरा बीटा, तीसरा कॉस्मिक और पराबैंगनी। हमारे अघोरी बाबा कहाँ गए, फटाफट आंसर दीजिए। बताइए ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है, गामा को, बीटा को, कॉस्मिक को या पराबैंगनी को। बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। चलिए पराबैंगनी किरणों को यानी अल्ट्रा वायलेट रेस को अवशोषित करने का या अब्जॉर्ब करने का काम करती है आपकी ओजोन की परत। ओजोन की परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, याद रखिएगा, किसे अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। और यह पराबैंगनी किरणें जब ओजोन के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तब हमारी पृथ्वी पर छन करके सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, जिसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस ओजोन के द्वारा ही छन्ने की तरह रोक लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये घातक किरणें जब पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं, तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल स्वच्छ, सुंदर और बेहतर तापमान और किरणों से युक्त होता है। अगर ये किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएं, अगला प्रश्न इसी में सुनिए, अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो क्या प्रभाव होगा, ये आपको विकल्प में बताना है। अगर पराबैंगनी किरणें आपके अर्थ पर पहुंच जाएं तो क्या प्रभाव होगा, ये आपको केवल चैट पर बताना है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो क्या प्रभाव होगा, बताइए। सभी लोग याद रखेंगे कि अगर पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आ गईं तो विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया, वायरस आएंगे, साथ में विभिन्न प्रकार यानी तापमान में वृद्धि होगी, बैक्टीरिया एंड वायरस आएंगे, विभिन्न प्रकार के तापमान में वृद्धि होगी, रोगों में वृद्धि होगी, स्किन कैंसर आदि के डिसीज बढ़ जाएंगे तेजी से, विभिन्न फसलों में
एक तरीके से फसल चक्र में परिवर्तन हो जाएगा, मानसून में परिवर्तन हो जाएगा, आपका क्लाइमेट चेंज होने लगेगा, ये सारी दिक्कतें होंगी। ठीक है, याद रखिएगा, केवल गर्मी नहीं बढ़ेगी, याद रखिएगा गर्मी के अलावा बहुत सारी चीजें होंगी, याद रखिएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, बताइए, आप सभी लोग बताइए, पारिस्थितिक उष्ण स्थल, कौन सा है जो इकोसिस्टम से युक्त हॉट प्लेस माना जाता है? एकदम इसका आंसर एकदम सही देना आप सभी को। आपके ऑप्शन देखिए, पश्चिमी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, बताइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। त्रिदेव, पीके, साहिल, आयुष, अनिल, अनिल ने डी ऑप्शन दिया है, बाकी सभी सी पर जा रहे हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, पारिस्थितिकी उष्ण स्थल पश्चिमी घाट है हमारा, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, यानी पारिस्थितिकी आधार पर सबसे बेहतर स्थल है आपका कौन सा? पश्चिमी घाट है। यहां पर आप याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में भारत में जैव विविधता, सबसे अधिक है, जैव विविधता सबसे अधिक है। अगली इंफॉर्मेशन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अगर स्टार देना हो तो मैं 5 स्टार दे रहा हूं, याद रखिएगा। आपसे अगला प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, किस भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर है, जैव विविधता कहां पर है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट में ही है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, नेवर फॉरगेट इट, कभी नहीं भूलना है इसको। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तब भी हिमालय मत लगा दीजिएगा, कभी पश्चिमी घाट ही लगाइएगा। पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा ही जैव विविधता वाला स्थल है, यानी अगर बात किया जाए पहले स्थान पर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर कहां पर स्थित है? इसे इंग्लिश में सैडल पीक भी कहते हैं, मैंने इसलिए लिख दिया कि शायद किसी को डाउट हो, तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर या सैडल पीक कहां पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान और बृहत निकोबार, ग्रेट निकोबार, बताइए सभी लोग। सभी लोग फटाफट बताइए, सैडल पीक कहां पर स्थित है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है? आप सभी लोग याद रखेंगे, अलका, आयुष, पीके जी भी हैं, ठीक है, साहिल, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, याद रखिएगा नॉर्थ अंडमान में है, यानी उत्तरी अंडमान में है।
यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी आपके उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान में है, यानी सैडल पीक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिन रात किसके कारण होते हैं? बच्चों बताइए, दिन रात किसके कारण होते हैं? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूमने व परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ना तो पृथ्वी के घूमने के और ना ही परिक्रमण के कारण। बताइए दिन रात किसके कारण होते हैं? आपके ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिए स्क्रीन से पढ़ करके ऑप्शन। बताइए दिन और रात का कारण क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूमने और परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, और ना तो पृथ्वी के घूमने और ना ही परिक्रमण के कारण। काफी लोग बी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, कहीं कहीं कुछ लोग सी आंसर भी दे रहे हैं। याद रखिएगा, दिन और रात केवल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। याद रखना है, दिन और रात का कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति है। घूर्णन गति का मतलब अपनी जगह पर घूमने के कारण। दिन और रात के पीछे और कोई लॉजिक काम नहीं करता है। पृथ्वी अपनी जगह पर जो घूमती है, अपने एक्सिस रोटेशन पर, अक्ष पर जो घूमती है, उसी को घूर्णन गति कहते हैं, और उसी के कारण दिन और रात होता है। क्यों? समझिए इसको, क्योंकि काफी लोगों ने बी ऑप्शन दे दिया था। परिक्रमण तो होगा ही नहीं, परिक्रमण का मतलब हो गया सूर्य के चारों तरफ घूमना। अब सूर्य के चारों तरफ घूमने से दिन और रात का संबंध नहीं है, बल्कि मौसम परिवर्तन का कारण है, वो उससे क्लाइमेटिक चेंज का रीजन है। अगर हम बात करें सामान्य रूप में, तो आप ये याद रखिएगा कि अगर ये पृथ्वी है, ऐसे समझिए कि अगर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, अपनी जगह पर ये जब घूमेगा तो जो इसके फ्रंट पर होगा वहां दिन होगा क्योंकि प्रकाश पहुंच रहा है, जो बैक पर होगा वहां रात होगा क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो दोस्तों याद रखना है कि बच्चों, दिन और रात के पीछे पृथ्वी का घूर्णन है। क्या कारण है? मेन कारण पृथ्वी की घूर्णन गति, इसका मेन कारण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? बताइए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है कपास की खेती के लिए? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। सभी लोग बताइए फटाफट। तभी याद रखेंगे कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी की खासियत क्या होती है? पहली बात तो पानी या जल इसमें सोखने की क्षमता होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा अगर प्रकाश इसमें पड़ता है, यानी तापमान के कारण, गर्मी के कारण ये फट जाती है मिट्टी, और इसी कारण से ये टुकड़ों में बढ़ जाती है, और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, सेल्फ प्लाउड सॉइल भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा कपास की खेती के लिए सब सर्वोत्तम मिट्टी यही मानी जाती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और अगर बात करें तेलंगाना आदि के क्षेत्र में यह मिट्टी सर्वाधिक विस्तारित है, वहीं पर पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। बढ़िया, सभी लोगों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विशेषताएं किस बायोम से संबंधित हैं? निम्नलिखित विशेषताएं किस बायोम से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन, पहला देखिए, गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, रसदार व खट्टे फल की कृषि, तीसरा है दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य अवस्थिति। तो किस प्रकार के बायोम की यह विशेषता है? फिर से एक बार पढ़िएगा, गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल का होना, रसदार व खट्टे फल की कृषि का होना, दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके विषुवत रेखीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और सवाना प्रदेश। तो किस क्षेत्र की यह विशेषता है, बताइए फटाफट। सभी लोग आंसर दीजिए। याद रखेंगे आप सभी लोग कि यह भूमध्य सागरीय जलवायु या बायोम की विशेषता है। किसकी विशेषता है? काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, संजय, आरती, साहिल, सब ने सही आंसर दिया है कि यह भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ही गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल होता है और रसदार फलों की खेती होती है, 30 से 40 डिग्री पर फैलाव है। यहां पर वर्षा की अगर बात किया जाए तो वर्षा शीत ऋतु में होती है। कब होती है? शीत ऋतु में होती है, यानी ठंडी में बारिश पाई जाती है। यानी भूमध्य सागर के क्षेत्रों में, भूमध्य सागरी जलवायु के क्षेत्रों में ठंडी में बारिश होती है। और यही कारण है कि भूमध्य सागर का रीजन अगर आपको मानचित्र कमरे पे लगा रखे हैं तो तुरंत यूरोप और अफ्रीका के बीच देखिए, यूरोप और अफ्रीका के मध्य देखेंगे तो भूमध्य सागर का क्षेत्र है और यह भूमध्य सागरी जलवायु वहीं से नाम पड़ा है। और यहीं से चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण ही ठंडी में पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के क्षेत्रों में वर्षा ठंडी में हमारे यहाँ भी होती है, जिसे हम कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हो रही है। तो पश्चिमी विक्षोभ का मतलब है भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं से वर्षा हो रही है, जलवायु के कारण वर्षा हो रही है। ठीक है, तो याद रखिए ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? भूमध्य सागरी जलवायु क्षेत्रों की है। गुड। अगला प्रश्न देखिए, मर्रे नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में? आंसर दीजिए, मर्रे नदी। बताइए, मर्रे नदी कहाँ बहती है? आपको अगर मेरी कल की क्लास याद हो या आपने देखा होगा, मैंने कल इस पर चर्चा किया था, मर्रे नदी कहाँ बहती है। काफी लोग न्यूजीलैंड ऑप्शन दे रहे हैं सी, कुछ लोग जर्मनी दे रहे हैं। जर्मनी और न्यूजीलैंड देने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। साहिल ने डी ऑप्शन दिया है, ठीक है, बाकी सभी लोग बी सी पर जा रहे हैं, बी सी पर। मर्रे नदी कहाँ बहती है? अनिल ने भी डी ऑप्शन दिया है। चलिए आते हैं, मर्रे नदी का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से, जिसका सही आंसर देने वालों की संख्या बहुत ही कम है। जिनका नाम मैंने लिया डी ऑप्शन दे रहे हैं, वही दो तीन लोगों ने सही आंसर दिया है। मर्रे नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। बच्चों याद रखना है,
गलती नहीं, कल मैंने बताया था, मर्रे डार्लिंग कूपर स्वान, ऑस्ट्रेलिया की नदी महान। बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हो, याद रखना है सब बातों को, याद रखिए फिर से, मर्रे डार्लिंग कूपर स्वान, ऑस्ट्रेलिया की नदी महान। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मर्रे डार्लिंग कूपर स्वान, ऑस्ट्रेलिया की नदी महान, यानी ये सारी नदियां कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में हैं। ठीक है, अरे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो ध्यान से, खाली टाइम पे अगर इस टाइम पर आप 10 बजे से 11 बजे के बीच कहीं व्यस्त रह रहे हैं, क्लास में हैं, ऑफलाइन क्लास में हैं, या अन्य कहीं कोई क्लास ले रहे हैं या व्यस्त हैं, तो जब भी समय मिले वीडियो को जरूर देख लीजिए और एक बेहतर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, मजा आ जाएगा बच्चों जीएस में, खास करके भूगोल पर्यावरण के लिए तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आने वाला आपका वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम हो, पक्का वादा है कहीं नहीं भटकोगे, यहीं से प्रश्न सीधे उठाऊंगा मैं, आप समझिएगा जो पढ़ाऊंगा वहीं से प्रश्न आएगा, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, मजा आ जाएगा सबको, बस दिल खोल करके लगे रहो, प्यार से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मौज करते रहो, सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तो मर्रे डार्लिंग कूपर स्वान, ऑस्ट्रेलिया की नदी महान, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न देखिए आप अपना, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पक्षियों व उनके आवासों, पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा संगठन है जो पक्षियों और उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है? पहला है विश्व प्रकृति निधि, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, सी ऑप्शन है साइट्स और डी ऑप्शन है ट्रैफिक। बताइए, विश्व प्रकृति निधि, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, साइट्स और ट्रैफिक, सभी लोगों को आंसर देना है फटाफट। इसमें सभी लोग याद रखेंगे कि संगठन और पक्षियों और उनके आवासों और वैश्विक जैव विविधता के लिए जाना जाने वाला संगठन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। कौन सा संगठन है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पक्षियों, आवास, जैव विविधता आदि से, उनके संरक्षण आदि से संबंधित है और लगातार उन पर काम कर रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बर्ड और उनसे संबंधित आवास को संरक्षित करने का पूरा दारोमदार इसी संस्था पर है। 1922 के आसपास गठित होने वाली यह संस्था लगातार आज पॉपुलर है और काम कर रही है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जैव विविधता और पक्षियों और आवास आदि से संरक्षण से संबंधित है। गुड, काफी लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, महानदी। बताइए, शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा पर है, नर्मदा पर है, कावेरी पर है, महानदी पर है? बिल्कुल अनिल, नाम से ही उसका आंसर पता चल रहा था। फिर अगले प्रश्न पर आइए, शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा पर, नर्मदा पर, कावेरी पर, महानदी पर? सभी लोग याद रखेंगे कि शिव समुद्रम की अगर बात किया जाए तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कल बड़ा डिस्प्यूट हुआ था इस पर, देखिए प्रश्न भी आ गया, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है?
ऑप्शन बताइए, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सभी को बताना है, आज गलत ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कृष्णा को, कावेरी को, तुंगभद्रा को, गोदावरी को। कल ही इस पर चर्चा हुआ था, बवाल मचा के रख दिया था आप लोगों ने। आज बिल्कुल सही आंसर देना, कल का ही रिपीट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सुधार लिया अपने आंसर को। आप ही भी कुछ लोग वही लगे हुए हैं, डी पर। दक्षिण भारत की गंगा आपके कावेरी नदी को कहा जाता है बच्चों, याद रखना दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बच्चों बोलते हैं, गोदावरी को नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी। और कावेरी दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जो सदा नीरा है। क्या है? सदा नीरा है, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल कावेरी नदी पर विस्तार से मैंने चर्चा किया था एकदम। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पूरा विस्तार से चर्चा किया था। एक एक चीज मैंने बताई थी कि क्यों दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, मजे से देखिएगा। अगला ऑप्शन है, हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? बताइए। फटाफट बताओ, हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को, फिलीपींस को, नॉर्वे को, कनाडा को। हजार झीलों की भूमि, ठीक है, काफी लोगों का बढ़िया आंसर आ रहा है, फिनलैंड को। फिनलैंड को ही हजार झीलों की भूमि, थाउजेंड्स लेक ऑफ लेक्स कंट्री के नाम से जाना जाता है, या कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से जाना जाता है। हजार झीलों की भूमि के रूप में फिनलैंड को जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी झीलें हैं। जब आप यूरोप पढ़ते हैं तो नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद स्वीडन है, स्वीडन के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर फिनलैंड है, और फिनलैंड को ही हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इनका मैप बनता है यहां पर। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? लास्ट प्रश्न का आंसर दीजिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1964 65 में, 1963 64 में, 66 67 में, या 72 73 में। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। ठीक है, बताइए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, 1966 और 67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, और इसका श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन जी को। इन्हीं को भारतीय हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन जी को भारतीय हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय 66 67 में, 66 67 में एम एस स्वामीनाथन जी के प्रयासों से किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। इसी के साथ बच्चों, आज की इस क्लास से मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। कल आपकी अगली क्लास, अगली सीरीज के साथ फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय बाय।